आज हम आ चुके हैं जबलपुर में, जबलपुर के बरेला में। बरेला में आए हैं हम दीपक चौपाटी सेंटर में और हम ट्राई करेंगे आज इनका मंचूरियन जो कि यहाँ का स्पेशल है। तो ट्राई करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसी इनकी रेसिपी है, रेसिपी हम आपको दिखाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं भैया के पास और देखते हैं क्या क्या रेसिपी है इनके पास। तो भैया आपके पास आइटम कौन कौन से हैं, आप अपना आइटम? चाइनीज मंचूरियन है, राइस मंचूरियन है, ग्रेवी है, ड्राई है, ऑल मिक्स है और चिली पनीर है। चिली पनीर है, मतलब आइटम सब कुछ भरपूर है। आप लोग यहाँ पे आइए, ट्राई करिए और हम अभी ट्राई करेंगे और आपको हम भैया की रेसिपी बताएंगे। अभी भैया बनाने जा रहे हैं नया आइटम, तो आप क्या बनाने जा रहे हैं अभी इस पे? अभी तो क्या, कस्टमर आने वाला है, जो कस्टमर आएगा मैं सब कुछ बना दूंगा, है ना। तो जो भी मतलब जो भी कस्टमर आएंगे, जो भी उनसे मतलब जो भी उनको चाहिए होगा तो वो सब बना करके भैया दिखाएंगे। तो ये दोनों आइटम 3 से 4 मिनट लगता है बनाने में। हाँ, 4 से 5 मिनट में आइटम रेडी कर देते हैं और दो भाई साथ में चलाते हैं दुकान। तो आप लोग आइए कभी भी जबलपुर के बरेला में, जबलपुर के बरेला में आप आइए और ट्राई करिए इनका राइस मंचूरियन और मंचूरियन एंड चाउमीन वगैरह, ऑल मिक्स राइस वगैरह सब कुछ बनाते हैं। तो आइए और आप ट्राई करिए, मैं ट्राई करके बताता हूँ आपको, रेसिपी पहले दिखाता हूँ किस तरह से बनती है। तो भैया और पत्ता गोभी वगैरह डाल दिया है, तो इसको फ्राई कर रहे हैं, तो आप देखिए। भैया ने इसमें अब मंचूरियन मिक्स कर दिया है, भरपूर मात्रा में मंचूरियन मिक्स कर रहे हैं और इधर साइड भी मंचूरियन की टोकरी भरी हुई रखी है और स्वास भी आप देख सकते हैं भरपूर तरीके से यहाँ पे खिलाया जाता है। आप आइए और कभी भी ट्राई करिएगा। तो भैया इनका रेट क्या रहता है, रेट बता सकते हैं आप? समथिंग का रेट है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, मतलब कि 3 रेट के हैं। जैसा भी आपको खाना हो तो आप आइए और यहाँ से ट्राई करिए। और ये यहाँ पे भैया ने चाउमीन मिक्स कर दी है और इसको मिक्स करेंगे अब। ये घर की मेडन है, ये मेडन चटनी है, ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी ये घर में बनाते हैं। और नमक डाल दिए हैं और मसाला डाल रहे हैं। तो भैया देखिए और भी पत्ता गोभी काटा जा रहा है और भी इतने ग्राहक आते हैं इनके पास, लगभग दिन में 400 से 500 ग्राहक इनके दुकान में आते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से मेकिंग चलती है। और मार्केट भी आप देख सकते हैं बरेला के SBI बैंक के जस्ट सामने, आप आइए और कभी भी ट्राई करिएगा इनका। तो चुके हैं ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, तो अब आप देखिए इसकी मेकिंग कैसी है। अच्छे तरीके से भुना जा रहा है इसे। ये क्या चीज़ है? पानी, बिस्लेरी वाला, बिस्लेरी का पानी डाल रहे हैं भैया, क्योंकि ग्रेवी बन रही है तो पानी तो ज़रूर इसमें जाएगा। पहले इन्होंने फ्राई किया है और ग्रेवी, और अब इसमें डाल दिए हैं मंचूरियन जो कि भरपूर मात्रा में जा रहा है इसमें, और ये होममेड ग्रीन चटनी। मेकिंग देख के तो अच्छा लग रहा है और स्वाद डाल दिए हैं। नमक, चटनी, सब कुछ मिक्स, कॉर्नफ्लो भी डाल रहे हैं। ये
कॉर्नफ्लोर जो आप डाले हैं इससे कोई मतलब खराबी तो नहीं है? इससे कुछ नहीं होता है, पूरा होममेड तरीके से बनाया जाता है, ऐसी कोई मतलब नुकसानदेह नहीं है ये। और आप देख सकते हैं कि लगभग बन के रेडी हो चुका है ग्रेवी हमारा, और हम ग्रेवी ट्राई करेंगे फिर हम आपको बताते हैं कि ग्रेवी भैया की कैसी बनी। अरे दो मिनट लगेगा, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ग्राहक आते हैं, भैया को टाइम नहीं मिलता है, फटाफट दोनों तरफ काम रेडी चालू है, दोनों भाई साथ में लगे रहते हैं। देखिए राइस का काम इधर रेडी है, राइस एंड राइस चाइनीज मिक्स बना रहे हैं, मंचूरियन है। फिर हम आपको बताते हैं कि कैसी बनी है ग्रेवी। क्वांटिटी भी इसकी अच्छी है और प्राइस भी अच्छा है, प्राइस कम है 20 रुपए में, फुल प्लेट है, आप आइए कभी भी ट्राई करिए। और बताऊंगा आपको, जबलपुर में बरेला में आइए और SBI बैंक के सामने आइए, दो भाई चलाते हैं यहाँ पे दीपक चौपाटी सेंटर के नाम से दुकान, आइए कभी भी ट्राई करिए। और फिर हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि हमें भी तो लगे कि कहाँ कहाँ से लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, हमें भी तो लगे कि अच्छा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।